हाय फ्रेंड्स, मैं हूं फहीम और आज मैं आपको फिर से एक लोकेशन दिखाने आ गया हूं। दोस्तों, ये लोकेशन बहुत ही स्पेशल है और इस स्पेशल जगह को ढूंढने में टाइम भी लगा है। बहुत टाइम से तो हम डिस्कस ही कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों को मैच कर रहे थे। दोस्तों, जहां पर भी दिव्या भारती जी ने अपना कदम रखा है, जहां पर भी वो गई हैं, मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि वो लोकेशन मैं आपको दिखा चुकूं। और मैंने ये कोशिश को इम्प्लीमेंट भी किया है थोड़ा सा। मैंने उनका स्कूल, उनका कॉलेज जहां पर उन्होंने अपनी मूवी रिकॉर्ड की थी, उनका घर, उनकी माँ का घर, हॉस्पिटल, सारी ही चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। और आज ऐसे ही दिव्या भारती जी की एक फिल्म जिसका नाम है दिल आशना है, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान सर के साथ में काम किया था, जो फिल्म 1992 में रिलीज हुई थी। 1993 5 अप्रैल के दिन दिव्या भारती जी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। उनके मरने से एक साल पहले ये फिल्म रिलीज हुई थी। उनको पता भी नहीं होगा, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि जब लोग ये फिल्म को देख रहे होंगे, वो खुद इस दुनिया में नहीं होंगी। जहाँ से दिव्या भारती चलते हुए आ रही हैं, हम इस लोकेशन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। हमको उम्मीद है कि वो ये रोड है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। पूरा देखेंगे और आपको बताएंगे, लेकिन देखते हैं ये लोकेशन वही है कि नहीं, क्योंकि जो गेट हमने देखा है ना, उस गेट के दोनों तरफ दीवारें हैं जहाँ पे जितेंद्र जी खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी दीवार है और गेट का डिज़ाइन भी चेंज है। गेट का डिज़ाइन चेंज होना तो नॉर्मल है, क्योंकि 30 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं फिल्म को बनकर, लेकिन फिर भी हम और कोशिश करेंगे और देखेंगे जगह को। हमारे इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर आदिल भाई जारी हैं कोशिश करने के लिए। आदिल भाई, क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन चालू है? बिल्कुल, मिलेगी जरूर, मिलेगी, ढूंढ के निकाल लो। लेकिन हम हैं, ये गार्डन यही है, इस बात की गारंटी है। बस थोड़ा सा हम कंफर्म हो जाए तो अच्छा रहेगा, दिखाने में मज़ा आएगा वो लोकेशन को आपको भी, और आपको भी देखकर अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मैचिंग खेल लें ज़रा। दोस्तों, मुझे दिल आशना फिल्म में जो गार्डन का गेट दिखाया गया है ना, वो ये लग रहा है, लेकिन उस गेट में जो है सिर्फ एक ही गेट है मतलब, और यहाँ पे बीच में पिलर टाइप भी हैं, लेकिन ऐसा फुल पॉसिबिलिटी है कि उसको चेंज करके बना दिया होगा, 30 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। दोनों तरफ जो जालियाँ है वो तो सेम दिख रही है, बट फिर भी हम इसको और लोकेशन को कंफर्म करेंगे और थोड़ा ढूंढेंगे, लेकिन मुझे 99% भरोसा है कि लोकेशन वो इधर ही है। अब देखते हैं क्या हो सकता है, थोड़ा और देखते हैं, कुछ घर वगैरह मिल जाए तो। या 30 से साल हो चुके हैं फिल्म को आके, 31 साल हो चुके हैं, तो पुराने घर भी मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बदल कर सब बिल्डिंगें बन गई हैं। ये वाला गेट तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जाली जो है वो डिफरेंट है। लेकिन यार, इधर एक घर दिख रहा है आदिल भाई, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये वही घर है, समझ रहे हो? यहाँ पे रोको गाड़ी, मैच करते। वो सामने घर दिख रहा है ना, गोल वाला, हाँ, ये बहुत पुराना घर दिख रहा है, इसको मैच करते, विंडो से मैच हो जाएगा। क्योंकि भाई मूवी में क्या दिखाते हैं, एक सीन इधर से ले लिया, दूसरा सीन कहीं से ले लिया, दो दो तीन तीन सेकंड के। अब इधर मैच करते हैं हम ये वाला, क्योंकि एक इधर पुराना घर दिखा है हमको, क्या पता यही हो, अगर ये रहा तो बहुत अच्छा रहेगा। भाई मेहनत जारी है, क्या बोलते भाई, कैसे कैसे मिल गया बता दो हमें भी। हाँ, ये इधर से आ रही है, समझो इधर से है ना, इधर से आ रही है। देखो साइड में ही दिखेगी बिल्डिंग, और ये गोल वाला ना वो भी दिखेगा अभी, देख, सही में देखना ध्यान से, ये देखो है। हाँ, और ये ऊपर की रेलिंग चेंज कर दी, 1 2 3 ये फ्लोर दिखाया हुआ है नीचे का फ्लोर। फाइनली बोलते हैं ना कि मेहनत रंग जरूर लाती है, फाइनली वो अपने को जगह मिली गई है,
क्योंकि आदिल भाई ने पहले मालूम किससे प्रूफ किया, पहले तो ये राउंड घर देखा हमने, राउंड घर देखने के बाद हमने ये बिल्डिंग देखी, एक रोड साइड में सा रहा है वो देखा, फिर ये बिल्डिंग का डिज़ाइन देखा। और ये डिज़ाइन तो यार सेम नहीं हो सकता है कहीं और पर भी, लेकिन इसमें जो पिलर बना हुआ है ना, ये पिलर का में जो ये डिज़ाइन है ऐसा, ये डिज़ाइन कहीं पर नहीं देखने मिला। अब एक जगह हमको सारी जगह मिल गई हैं। अब ये है वो गार्डन, ये जो बाजू में यहाँ पर जाती थी, यहाँ पर वो सारे सीन रिकॉर्ड किए गए थे। आदिल भाई कैसा लग रहा है लोकेशन को ढूंढने के बाद? बहुत अच्छा लगा भी है, और हमें जब तक सुकून मिलता भी नहीं है भाई, जब तक हम प्रॉपर लोकेशन ना ढूंढ ले हमको मज़ा ही नहीं आता है। और अब हमको लोकेशन मिल चुकी है, आदिल भाई वो दीवार के पास जा रहे हैं जहाँ पर दिव्या भारती जहाँ से चलते हुए आती हैं, और हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे और यहीं पर आपको सब कुछ बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे सीन रिकॉर्ड हुए थे। फिंगर है आदिल भाई की, ये वाला डिज़ाइन और ये वाला डिज़ाइन आप मैच कर सकते हो। क्या आदिल भाई, वाह ग्रेट जॉब आदिल भाई, वंडरफुल, वेरी नाइस भाई। जब हम लोग ऐसा लोकेशन ढूंढ लेते हैं ना, तो ऐसा फील होता है कि पता नहीं हमको क्या मिल गया है। जैसे फाइनली और क्या मैच करना बाकी है, ये बिजली का बॉक्स आदिल भाई मैच करने जा रहे हैं। ये बिजली का बॉक्स जो उनके पीछे दिख रहा था, और उसके पीछे ये स्ट्रीट लाइट भी दिख रही थी। यहाँ से वो चलते हुए आती हैं, और ये वो दीवार थी, और जहाँ से वो चलते हुए आ रही थी ये वो रोड था। वैसा सा खांचे वाला ये घर वही होगा गारंटी के साथ, क्योंकि ये शक्ल से इतना पुराना दिख रहा है। आदिल भाई ये घर को देखने की कोशिश करो, ये घर भी दिखा है क्या कहीं पर? आदिल भाई दिखा होगा ये घर ना भाई, नरसी चौक पर हम लोग यहाँ पर हैं। हम आपको दिखा रहे हैं फिल्म दिल आसना है में एक रात का सीन दिखाया जाता है, जिसमें दिव्या भारती जी चलकर आती हैं अकेले रात को। तो वो ये रोड है दोस्तों, ये जो रोड आपको हमारे पीछे दिख रहा है ना, ये रोड है वो जहाँ से चलती हुई आती हैं। गुंडे दिखाए गए हैं जो उनको चारों तरफ से पकड़ लेते हैं, उनको घेर लेते हैं, फिर जितेंद्र जी आते हैं। तो अब ये जो जगह, ये जो रोड आप देख रहे हो, एक दिन यहीं पर दिव्या भारती जी ने अपनी फिल्म दिल है आसना के सीन रिकॉर्ड किए थे, और आज हम यहाँ पर हैं 30 साल के बाद। सबसे पहले मैं आपको कुछ जगह दिखाना चाहूँगा, क्योंकि आपको भी तो ये पूरा राइट है कि फहीम भाई जो आपको वीडियो दिखा रहे हैं, क्या पता वो वीडियो सही है कि नहीं, क्या पता वो वीडियो वो लोकेशन पर ही है कि किसी भी लोकेशन को बता दिया गया है कि भाई यहाँ पर दिव्या भारती जी आई थी। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगेगा, आपकी बात तो लगे। तो हमने जगह को मैच किया बहुत सारी चीज़ों के साथ में। पहले सबसे पहली बात तो ये जो आप घर देख रहे हो ना दोस्तों, ये राउंड घर, ये पुराना 30 साल से भी पुराना घर है, और ये तभी भी था। दिव्या भारती जी का मासूम चेहरा आज भी मुझे बहुत याद आता है। वो बात अलग है कि जब दिव्या भारती जी पैदा हुई थी, और जब दिव्या भारती जी ने इस दुनिया को छोड़ चुका है, उसके बाद ही मैं दुनिया में आया हुआ हूँ, लेकिन उनकी ऐसी एक भी फिल्म नहीं है जो मैंने अभी तक देखी ना हो, या एक भी सीन ऐसा नहीं होगा जिसको मैंने कोशिश ना किया हो कि वो कहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है, वो कहाँ पर गई थी। अब हम इस जगह को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, और दिव्या भारती जी को थोड़ा सा याद कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मालूम क्या दिखाया जाता है, ये रोड यहाँ से दिव्या भारती जी अकेले चलती हुई आती हैं, वो जहाँ से ये कार आ रही हैं यहाँ से चलती हुई आती हैं। जब कैमरे के कुछ एंगल दिखाए जा रहे थे, तब वहाँ पे वो एक स्ट्रीट लाइट है वो भी दिखाई जाती है, फिर वो लाइट बॉक्स है वो भी दिखाई जाता है। दोस्तों आज भी हमको वो लाइट स्ट्रीट देखने के लिए मिली, आज भी हमको ये बॉक्स देखने के लिए मिला, बहुत अच्छा लगा। जब दिव्या भारती जी चल के आती है ना, तो ये दीवार के बाजू में वो चलती हुई आती हैं, और ये पेड़ आप देखो स्क्रीन शॉट से, मैं ये जो आप स्क्रीन शॉट में पेड़ दिख रहे हैं ना, ये वाले पेड़ हैं यहाँ पर। देखो दोस्तों 31 साल हो चुके हैं, बहुत कुछ बदलाव आ चुका है, ये दीवार का डिज़ाइन भी चेंज कर दिया गया, लेकिन फिर भी ये वाला जो डिज़ाइन देख रहे हो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये डिज़ाइन ये ऐसा ही है, यहाँ का कलर चेंज कर दिया गया है, पट्टी का डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है, और ये वो पेड़ हैं जहाँ से दिव्या भारती जी चलते हुए आती हैं। दोस्तों दिव्या भारती जी को इस दुनिया को छोड़ के 31 साल हो चुके हैं, लेकिन यकीन मानिए
आज भी उनको कोई नहीं भूला है, और पूरे बॉलीवुड की इंडस्ट्री में कोई भी एक भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो उनकी रिस्पेक्ट ना करता हो। कोई कितना भी बड़ा एक्ट्रेस या एक्टर रहने दो, सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन दिव्या भारती जी तो उनसे सबसे ऊपर थी। एक इंटरव्यू में उनका सुन रहा था, उन्होंने बोला, किसी ने उनको बोला कि आप श्रीदेवी जी से मैच होती, बोलते नो 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 सी इज सो मच ब्यूटीफुल। मतलब वो दूसरों को इतना रिस्पेक्ट देती थी, इतनी अच्छी वो एक एक्ट्रेस थी, और 2-3 साल ही काम करके वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी हैं। दोस्तों, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फहीम भाई दिव्या भारती जी की वीडियो बनाओ, बहुत सारे लोग बोलते हैं, और मैं खुद भी तो यही चाहता हूँ। इस वीडियो में आपको दिखाया है कि दिव्या भारती जी इधर से चलती हुई आती हैं, ये वाला घर दिखता है, ये वाली वॉल दिखती है, ये वाले पेड़ दिखते हैं, लेकिन अभी एक जगह दिखाने से बाकी रह गई है कि जहाँ पर जितेंद्र जी आके अपनी कार खड़ी करते हैं। अभी नॉर्मल फैक्ट में क्या होना चाहिए था कि जितेंद्र जी इधर से आए, इधर उन्होंने अपनी मर्सिडीज खड़ी की और ये वाले गेट को रिकॉर्ड किया, लेकिन उसमें ऐसा नहीं हुआ है। फिल्म के अंदर एक सीन यहां पर लिया जाता है, दूसरा सीन दूसरी जगह पर लिया गया था, तो वो गार्डन का दूसरा वाला गेट है जो आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हो। अब हम वहां पर जाएंगे और वो गेट आपको जरूर दिखाएंगे, और आज ये वीडियो बना के मुझे बहुत अच्छा लगा है। दोस्तों, आप भी बताना कि आपको ये लोकेशन कैसी लगी जहां पर एक दिन दिव्या भारती जी आई थी, जहां पर दिव्या भारती जी ने रात को आकर यहां पर अपने फिल्म के सीन रिकॉर्ड किए थे। एक्चुअली ये गेट होना चाहिए था, लेकिन ये गेट नहीं है वो। अब हम आपको देखो, जाली वगैरह ये सब बहुत पुरानी लगी हुई है, मालूम है, जहां पर ये सारे सीन रिकॉर्ड हुए थे, लेकिन अब हम आपको वो प्रॉपरली गेट दिखाएंगे, जो गेट रियल वाला गेट था जहां पर उन्होंने अपनी कार के बाद वाले सीन रिकॉर्ड किए थे, जहां पर वो जितेंद्र जी से बात करती हैं, जहां पर जितेंद्र जी उनको डांटते हैं, जहाँ पर जितेंद्र जी पूछते हैं उनको आपको बुरा लगा क्या, जहाँ पर दिव्या भारती जी उनको बोलती हैं कि नहीं, मुझे इतना हक से किसी ने नहीं डांटा है, वो सारे सीन इन्हीं गलियों में रिकॉर्ड किए गए थे। पहले हमने ये वाले गेट को समझा था कि ये वही गेट है, और लेकिन फिर और बहुत कुछ समझने के बाद हमको लगा ये गेट वो नहीं है। हमने बहुत कोशिश की और इसका आपको गेट भी दिखाया। दोस्तों, 31 साल के बाद काफ़ी कुछ बदलाव आ चुका है, लेकिन जाली को इन लोगों ने वही डिज़ाइन में करके रखी है। ये जो बीच में पाइप है, ये भी वही है, जाली का डिज़ाइन भी वही है, गार्डन भी वही है, चौराहा भी वही है। दोस्तों, ये सारी ही जगह तो मैच हो चुकी हैं, और जो चाहें उस चीज़ को भी ढूंढ सकते हैं अगर ढूंढना चाहें तो। लेकिन अगर इस दुनिया से कोई एक बार चले जाता है, उसको कभी भी नहीं ढूंढ सकते हैं, उससे कभी भी नहीं मिल सकते हैं। तो बस एक मेरी एडवाइस भी नहीं बोलूँगा मैं, मेरी तरफ से सब लोग याद रखें यार कि जब तक भी अपने इस दुनिया में हैं, उनसे बहुत प्यार करें, उनके साथ रहें, क्योंकि जब कोई एक बार चले जाता है वो कभी भी नहीं आ सकता है। चलो दोस्तों, हम ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, और मेरे बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि फहीम भाई दिव्या भारती जी के रिलेटेड वीडियो बनाना, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनकी हर एक चीज़ हम आपको बताएं। अभी 2024 आने वाला है, अप्रैल का महीना आने वाला है, उनको 31 साल हो चुके जाएंगे ये मुंबई को छोड़कर जाकर, ये हिंदुस्तान को, बॉलीवुड को और पूरी दुनिया को छोड़कर 31 साल हो चुके होंगे। अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें, और लव यू गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ गाइज, लव यू ऑल गाइज, आई लव यू।